नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका हितेश मैथ्स में। काफ़ी बच्चों ने एग्जाम दे दिया है केवीएस का और 2 दिन में बाकी बच्चे भी दे देंगे। अब करना क्या है, क्योंकि देखो बच्चों, जब तक ज्वाइनिंग लेटर हाथ में ना आ जाए ना, जब तक आपने मेहनत करना नहीं छोड़ना। अगर आपने रेस्ट कर लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी आप जो है एकदम कहते हैं ना कि वार्म अप हो चुका है, आप दौड़ चुके हैं, तो अभी रुकना नहीं है। वो जो आपने जो प्रिपरेशन की है उसको ठंडा नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि इंटरव्यू की वजह से भी रिजेक्शन होते हैं, ठीक है। इंटरव्यू में वो 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स जितने टाइम्स भी बुलाएं, वहाँ से भी बच्चे निकलते हैं। और मैंने अपने दोस्तों को भी निकलते हुए देखा है, जो हल्के में इंटरव्यू लेते हैं उनको प्रॉब्लम होती है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। आपको अगर लगता है, मैं एक मार्क्स वाला सिस्टम बताता हूँ आपको, आपको अगर लगता है कि आपके 120 से प्लस आ सकते हैं या बन रहे हैं आपके 120 प्लस, तो आप केवी के इंटरव्यू की प्रिपरेशन शुरू कर दो, ठीक है। वैसे तो 110 प्लस वाले भी कर सकते हैं थोड़ा 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 थोड़ा, लेकिन 120 प्लस जिसके हैं वो तो 100% शुरू कर दो, ठीक है। क्योंकि इंटरव्यू जिस जगह पर आपका होता है वहां पर कुछ भी पूछा जा सकता है। वो करंट अफेयर भी पूछ लेते हैं, आपका जो ग्रेजुएशन और आगे की जो भी डिग्रीज हैं उससे रिलेटेड पूछ लेते हैं, हिंदी से रिलेटेड पूछ लेते हैं, मतलब वो उनके ऊपर है, वो कुछ भी पूछे, ठीक है। वो पैडागोजी, साइकोलॉजी, सीटीपी, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। और ऐसा हमने देखा है कि वो कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि एज एन टीचर कैसा इंटरव्यू होना चाहिए, जैसा मेरा हुआ था कि हाँ आप जो है बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, वैसे भी इंटरव्यू होते हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, इंटरव्यूअर के ऊपर है वो किस तरीके से ले रहा है। वो नॉलेज चेक कर रहा है, एप्टीट्यूड चेक कर रहा है आपका, लीडरशिप क्वालिटी चेक, मतलब वो उसके ऊपर है, वो कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको हर एक चीज़ के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। आप रिटर्न का वेट करेंगे कि रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट आएगा फिर मैं शुरू करूँगा, ऐसा नहीं है। और इस बार वेटेज भी ज़्यादा है इंटरव्यू की, ठीक है। तो शुरू कर दीजिए, और हम भी जो है वीडियोज़ डालना शुरू कर रहे हैं केवी इंटरव्यू के ऊपर, क्योंकि एट द एंड बहुत से बच्चे जाएंगे, उनको जरूरत पड़ेगी उन वीडियोस की। तो वो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे कि कब जो है, मतलब किस तरीके के कपड़े पहनने हैं, किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से परमिशंस लेनी है, उनकी टेबल्स यूज़ करनी है नहीं करनी है, क्या यूज़ करना है वहाँ पर, क्या यूज़ नहीं करना, क्या आप TLM लेकर जा सकते हैं, है ना। इन और आप अपना जो है क्या बोलते हैं इंट्रोडक्शन कैसे प्रिपेयर करें, इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें डालें, क्या क्या चीज़ें नहीं डालें, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक एक करके वीडियोज़ आती रहेंगी, उसमें हम वो चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन आपने भी एक काम करना है, आपने प्रिपरेशन नहीं छोड़नी है। आप अपना जिस तरीके से पढ़ रहे थे उसी तरीके से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, करंट अफेयर पढ़ते रहिए, और बाकी जो है NCERT की बुक्स पढ़ते रहिए, ठीक है। बाकी हम टाइम टू टाइम आपको गाइड करेंगे कि इंटरव्यू में किस तरीके से आपने वहाँ पर जाना होता है और किस तरीके से परफॉर्म करना होता है। अच्छा एक्सपीरियंस है, आपको भी मज़ा आएगा इंटरव्यू देकर केवी का। तो यही एक इन्फॉर्मेशन है कि भाई जो है आप अपनी प्रिपरेशन नहीं छोड़ेंगे और थोड़ा सा इंटरव्यू की तरफ अब शुरू हो जाइए, अगर आपको लगता है कि आपके इतने मार्क्स हैं जितने मैंने बताया। अगर आपको मेरी बात सही लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आते रहें। और कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं इस वीडियो के बारे में। धन्यवाद। जय हिंद।